हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सब भी अच्छे होंगे और इस रेनी सीज़न में आप लोग भी ऐसे कटिंग खूब अच्छी अच्छी लगा रहे होंगे, सबके घर अच्छी ग्रोथ भी हो गई होंगी। तो आज कुछ नए टॉपिक के साथ, मैंने कुछ क्राइसेंथमम की कटिंग्स लगाई हुई थी पहले वीडियो में, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा, वैसे मैं लिंक डाल दूँगी। तो मैंने गुलदाउदी, इनको गुलदाउदी भी बोलते, ज़्यादातर गुलदाउदी ही बोलते, क्राइसेंथमम भी बोलते हैं। तो मैंने ये लगा रखा है कटिंग, आपको दिखाया भी था। ये इसमें डबल शेड लगी है, मरून और येलो, और इसका तो मुझे कलर भी नहीं याद है क्या कलर लगा रखा है। पर आप ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो रखी है, छोटी छोटी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कलियां भी हैं, पर मैं इनको ऐसे हटा दूँगी। अभी सीज़न ही नहीं है तो ये तो विंटर के हैं, विंटर में फ्लावर, इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर आते हैं। इधर भी मैंने एक दो अभी जस्ट लगाई थोड़े दिन पहले, तो ये तो अभी ग्रोथ नहीं लिए हैं, बट ये मेरा 20 डेज़ के लगे हुए हैं सारे, 20 दिन हो गए इनको। और आप देखिए कितने सुंदर मेरे सारे क्राइसेंथेमम काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं। ये मेरा पाम का है, तो इसमें नीचे काफ़ी जगह थी, तो मैंने यहाँ भी गुलदाउदी की ये कटिंग्स मैंने सब लगा रखी थी। इसमें भी दो तीन कलर हैं, मुझे इतना याद है येलो और मैरून तो लगे ही हैं, और भी जो कलर है मुझे याद नहीं है, जब फ्लावरिंग होगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मेरी जितनी मैंने कटिंग्स लगा रखी हैं सारी मेरी लग चुकी हैं। ये देखिए ये मैंने अभी लगाया है, ये है जरवेरा, तो काफ़ी घना रखा था, तो मैंने इसको एक ऐसे, मेरा ऐसे पॉली बैग है ये, तो इसी में मैंने ये लगा दिया, लग जाएगा। तो ये भी दिखाऊँगी, इसको मैं शिफ्ट करूँगी गमले में, इसकी वीडियो बनाऊँगी। अभी मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि ये मेरा गुलदाउदी के सारे कटिंग कितनी अच्छी ग्रोथ हो रखी हैं। ये देखिए मिली बग अटैक भी हो रखे हैं, तो ये पत्तियाँ तोड़ दूँगी मैं, बीच बीच में चेक करती रहती हूँ, एक दो ही होता है, मैं उनको हटा देती हूँ, उनकी लीव्स मैं तोड़ देती हूँ, तो इनमें कभी पूरे अटैक हो नहीं पाते हैं। वैसे तो नीम ऑयल वगैरह स्प्रे कर सकते हैं, बट मेरा इतना होता ही नहीं है कि मुझे स्प्रे करना पड़े, तो एक दो भी दिखता है तो मैं उनकी लीव्स जो है तोड़ देती हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रखी है, मैंने लगा रखा था, अभी भी टाइम है, आप लोग भी लगा सकते हैं, मैंने तो लगा लिया है। बहुत सारे फ्लावरिंग होगी इस बार विंटर में मेरे घर, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रखा है, इसका कलर मुझे बस नहीं याद आ रहा है, और ये मेन प्लांट तो ये हैं, इन्हीं से मैंने कटिंग लगा रखी थी, ये है मरून वाला। तो इनकी आप जितनी भी कट, ये है इससे मैंने कटिंग ली थी, साली देखिए कितने घने फिर से हो गए हैं। तो इनको आप जितने कट करोगे ये उतनी अच्छी ग्रोथ लेता रहता है, ये घना हो जाता है, बुशी सा हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स। और एक कटिंग मैंने ये लगाई थी, आप इसकी ग्रोथ देखिए, ये स्वीट पोटैटो वाइन, ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रखी है। अभी और कटिंग कर देंगे तो और भी प्लांट्स इससे तैयार हो जाएंगे, पर ये मेरा अभी नया प्लांट है, इसकी भी वीडियो मैं डाल दूँगी। ये जब मैंने लगाया था, जबकि आप वीडियो देखोगे आप, और अभी तो कितना अच्छा ग्रोथ हो रखा है। ये सारी कटिंग मेरी बारिश में बहुत ही खूबसूरत लग गई हैं सारी। तो और ये मैंने शिमला मिर्च के बीज डाले हुए थे, रेड और येलो, तो अब ये देखिए छोटे छोटे इसमें पौधे बन गए हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो इनको मैं बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए आप, मैंने एक बार और लगाई थी ग्रीन कलर की, उसमें शिमला मिर्च भी काफ़ी आ रखे थे, अभी इनको मैं लगाऊंगी बड़े गमले में, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो ये मेरी छोटी सी सारी कटिंग लगी हुई है और सब अच्छी ग्रोथ में है, बस विंटर का इंतज़ार है कि विंटर शुरू हो और इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने काफ़ी सारे लगा रखे फ्रेंड्स, आप भी लगा लीजिए। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एरियल मैटिक का मेरा डब्बा था, कंटेनर, और उससे ये मैंने कितना अच्छा पॉट बनाया है। अब अगर आपके घर भी ऐसा कुछ है तो आप भी बनाइएगा, ये मैंने इसको कट करके पूरे डिज़ाइन कर रखा है। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो मैं पूरी वीडियो बना के दिखाऊंगी मैंने इसको कैसे कट किया है। ये पूरा मैंने डक का शेप दे रखा है, तो ये एक मेरा प्लांटर तैयार हो गया है और इसमें प्लांट लगाऊंगी। अगर इसके बाद मैं एक और बनाऊंगी तो उसकी वीडियो मैं पूरी बना के ज़रूर दिखाऊंगी कि ये मैंने कैसे तैयार किया है। तो ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।